हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल योग रसायन। गाइज, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें चैनल को। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आने वाला हूँ, क्लास 12th, 11th और कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो नीट का हो, JEE का हो, ठीक है, IIT का हो, तो ये सब में आपका क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। बहुत ही आपका बेसिक है बच्चों, ठीक है, तो इसको अच्छे से देखते हैं। क्या है कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो इसकी जो MOT थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इसकी बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है, समझ में आ रही है बात? या हम उसको कैसे बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर फॉर CO कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए बच्चों, आपने MOT जो थ्योरी पढ़ी होगी उसमें आपने बहुत सारे क्या पढ़े होंगे, नॉर्मल वाले क्या पढ़े होंगे आपने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, जैसे N2, C2, Cl2 या इस टाइप से आपने बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का है वो बिल्कुल आपका एक्सेप्शनल केस है, बिल्कुल थोड़ा दूसरा केस है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, इसमें आखिर बॉन्डिंग कैसे होती है, फिर मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड आपके कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में अराइज हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, कार्बन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीजन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलिए लिखते हैं। कार्बन का 6 होता है तो 1s2, 2s2, 2p2, और ऑक्सीजन का होता है 8, 8 मीन्स 1s2, 2s2, 2p4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 2 8 6, ओके। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखिए बच्चों, यहाँ पर एनर्जी दिखाते हैं, ऊपर को एनर्जी इंक्रीज करते हैं, आपको मालूम है हम दो साइड दिखाते हैं, इस साइड हम कार्बन दिखा देते हैं, कार्बन का एटम, और इस साइड हम किसका एटम दिखाते हैं बच्चों, ऑक्सीजन का एटम, ओके। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए बच्चों थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, कार्बन फिर होता है, कार्बन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, ये पीरियडिक टेबल का सेकेंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, ठीक है। उसमें आप देखेंगे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे करके 6, 7, 8 ऐसे करके आगे को आपके क्या करते रहते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते रहता है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं इस कार्बन से ऑक्सीजन, तो यहाँ एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। तो छोटा जो एटॉमिक साइज कम किसका होगा, ऑक्सीजन का कम होगा, और कार्बन का कहीं ना कहीं क्या होगा बच्चों, ज्यादा एटॉमिक साइज होगा, ठीक है। एटॉमिक साइज ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, देखिए ये कार्बन है, ये इसका न्यूक्लियस है, सपोज इसमें 1s, 2s और 2p ऐसे कुछ है, मैं बस एनर्जी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, और ऑक्सीजन का भी ये न्यूक्लियस है बच्चों, 1s 2s 2p। देखिए आपका इसका साइज बड़ा होगा और इसका साइज क्या होगा बच्चों, छोटा होगा, ठीक है। सपोज यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ क्या है, न्यूक्लियस है, आपको मालूम है, तो सबसे पहले हम 1s ऑर्बिटल लिखते हैं यहाँ पे, इसका भी 1s ऑर्बिटल में यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों, फिर मैं क्या लिखूंगा बताइए, 2s ऑर्बिटल लिखूंगा, चलिए 2s ऑर्बिटल लिखा मैंने, ठीक है 2s। अब मैं 2p लिखूंगा बच्चों, 2p, ठीक हो, 2p ऑफ ऑक्सीजन। देखिए बच्चों क्या होता है कि 1s साइज छोटा है तो न्यूक्लियस के थोड़ा नजदीक होगा, समझ रहे ना, तो न्यूक्लियस के नजदीक होगा, तो ये देखिए न्यूक्लियस के नजदीक लिखा हुआ है मैंने, नीचे लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, थोड़ा ऊपर लिखा है। फिर आपका बच्चों ये 2s है, इसका थोड़ा सा साइज बड़ा है तो ये ऊपर होगा, ये न्यूक्लियस के थोड़ा नजदीक होगा, और ये थोड़ा और ऊपर होगा, साइज बड़ा है कार्बन के केस में, और ऑक्सीजन के केस में थोड़ा नजदीक होगा, आपको दिख रहा है ना एनर्जी, देखिए होना यहाँ पर चाहिए था, अगर बराबर एनर्जी होती तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है मैंने, थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिकली भी प्रूफ होता है बच्चों ये कि एनर्जी इसकी कम होती है और इसकी थोड़ा सा ज्यादा होती है, क्यों, साइज का इफेक्ट, आपको मालूम है साइज छोटा क्यों होता है, उसका कुछ दूसरा रीजन होता है बच्चों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर बॉन्डिंग करिए, जैसे आप नॉर्मल बॉन्डिंग करते तो इसका क्या आएगा बताइए, एक ऑर्बिटल इन दोनों से नीचे आएगा कहीं ना कहीं, है ना, और एक ऑर्बिटल हल्का सा ज्यादा एनर्जी का होगा, ये सबको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे बताइए बच्चों, 1s2 है, 2s2 है, 2p2 है, यहाँ पर यहाँ 1s2 है, 2s2, 2p4 है यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिल कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे, 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। चलिए बच्चों अब क्या होता है, देखिए इन दोनों का
एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, आपको इतना मालूम है? ठीक है, बनाते हैं। देखो बच्चों, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आपको मैंने बताया था, पहले भी मैंने बताया है, जिसने नहीं देखे हुए पहले वीडियो वो आप देख सकते हैं। मैंने कहा था कि तीन ऊपर बनेंगे ऐसे करके और तीन इसके नीचे साइड बनते हैं, सबको मालूम है। ठीक है, तीन और तीन छह है, तो तीन ऊपर बनेंगे, तीन एंटी बॉन्डिंग, तीन बॉन्डिंग बनेंगे इसके, तीन बॉन्डिंग बनेंगे और तीन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इसके बनने वाले हैं। ठीक हो गया, तो पहले इसका बना लेते हैं, फिर इसका देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो होता क्या है, देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 8, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों ऊपर का तो हमेशा कैसा होता है आपको मालूम है, उल्टा इन्वर्टेड वाई होता है, सबको मालूम है, यानी एक ऊपर होगा और दो नीचे साइड होंगे आपके। ठीक है, ऑर्बिटल ऐसे होगा, ये बना दिया मैंने ऐसे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और नीचे वाला बच्चों मैंने कहा था अगर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, ट्रिक भी बता रहा था मैंने आपको कि 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं या उससे कम होते, तो नीचे वाला जो 3p ऑर्बिटल है वो भी कैसा होता है बच्चों, वो भी हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड। अगर 15 या उससे ज्यादा होते तो वो कैसा होता है, इरेक्टेड वाई, यानी दो ऊपर होंगे उस टाइम पे, एक नीचे होगा। लेकिन यहाँ तो 14 का केस है, तो यहाँ पर आपको कैसे फिल करना पड़ेगा बच्चों, आपको फिल करना पड़ेगा एक ऊपर और दो नीचे साइड, ऐसे फिल कर सकते हैं आप, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों, ये तो ठीक हो गया, लेकिन ये एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप देखिए, ये एनर्जी लगभग बराबर है, तो यहां पर जिस टाइम ये बनाता है बच्चों, उस टाइम इसकी एनर्जी यहां पर हो जाती है। देखिए एंटी बॉन्डिंग ऐसे बन जाता है इसका, और बॉन्डिंग इसका ये बन गया। देखिए बॉन्डिंग तो नीचे आ गई, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ऊपर चली गई। क्यों ऐसा हो रहा है बच्चों, यहां देखिए, एक्चुअली अभी तक क्या होता था कि पहले इसका अगर बराबर एनर्जी होती थी तो ये बनेगा, फिर इसके ऊपर ये होता था, है ना। लेकिन अभी ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस आने की वजह से, समझ रहे हैं आप, ये एनर्जी लगभग बराबर है ऐसे करके देखिए आप, है ना। तो उस टाइम क्या होता है, ये बॉन्डिंग यहाँ पर रहता है बच्चों, और इसका जो एंटी बॉन्डिंग है ये इससे भी ऊपर एनर्जी वाला होता है उस टाइम पे। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो अब क्या होता है, देखिए सिंपल सा आप इलेक्ट्रॉन फिल करिए अब, और क्या, 14 इलेक्ट्रॉन है, फिल करना शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ओके, तो आप यहां पर देखिए बच्चों, ये आपका सिग्मा 2s है, कौन सा है, सॉरी सिग्मा स्टार है, सिग्मा स्टार 2s का ये सिग्मा स्टार है बच्चों, है ना। ये 1s है, ये 1s का सिग्मा स्टार, ये 2s है, 2s का सिग्मा स्टार, ये 2p वाले हैं ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर बाकी मैं किसी का लिख नहीं रहा हूं बच्चों अभी, आप केवल ये देख लीजिए आप कि यहाँ पर ये 2s का सिग्मा स्टार है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो CO में लास्ट इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो कहाँ भर रहे हैं बच्चों, आपके 2s सिग्मा स्टार 2s में इलेक्ट्रॉन आपके कितने फिल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके फिल होने वाले हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आई बात, ओके। चलिए तो ये कहानी है, अब आप इसका क्या निकाल सकते हैं बच्चों, आप फाइंड आउट करो इसका, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, है ना। चलिए इसमें दो तीन और ट्रिक बता दे रहा हूं, ये समझ में आ गया बच्चों, इतना समझ में आ गया पहले आपको, अब मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों, यहां से बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा हल्के में ना लें, अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट वाइज आप क्लियर करें। चलिए अब देखो, पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर से अराइज हो सकता है बच्चों, वो ये हो सकता है कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड का एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होते हैं, तो कहाँ फिल होंगे बच्चों, 2 सिग्मा 2s² में। ध्यान देना, ये एंटी बॉन्डिंग होता है, कैसा होता है, ये एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, एंटी बॉन्डिंग होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो एक केस तो ये है, दूसरा केस, दूसरा जो यहाँ पर से क्वेश्चन अराइज होगा बच्चों, व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसके बीच कितने बॉन्ड होंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको मालूम है हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 जो यहाँ से नीचे होते हैं बच्चों, जो इन दोनों का है तो इसमें से ये वाला और इन दोनों का है तो ये वाला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया माइनस एंटी बॉन्डिंग के, 1 2 3 4, 4 हो गया यहाँ पे, तो आपका ये हाफ ऑफ हो जाएगा 6 बच्चों, 3, बिल्कुल सही आ रहा है। आपको मालूम है कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, नेगेटिव बॉन्ड बनता है। ठीक हो गया, इतना समझ में आई बात। दूसरा जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए हैं बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है, दूसरा आपका जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होने वाला है, सिग्मा स्टार 2s
2s में इसके इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक हो गया। इतना भी समझ में आता है, अब एंटी बॉन्डिंग में यहाँ फिल हो रही है 2s के, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, सिंपल सा आपका है बच्चों। वो बोलेगा आपसे जब हम जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करते हैं तो उस टाइम पे अगर हम क्या करें, एंटी बॉन्डिंग सीओ पॉजिटिव कर दें, क्या कर दें बच्चों, जब हम सीओ इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, हम एक इलेक्ट्रॉन कम भरें उसमें, एक इलेक्ट्रॉन कम भरें। अब आपको मालूम है बच्चों, जब भी एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग ए बी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ए बी एम ओ बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, फिल होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, उस टाइम जो है बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या करता है, डिक्रीज करता है। और अगर यही केस, दूसरा केस देखिए, ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस देखिए, अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बच्चों, विड्रॉ हो रहा है, क्या हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन हट रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या करता है बच्चों, इंक्रीज करता है। इफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉ फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देन द बॉन्ड ऑर्डर विल बी इंक्रीज। ओके, तो आप बताइए, मैं अगर यहां पर से देखिए, पहले तो सीओ टू पॉजिटिव का मतलब तो है कि एक इलेक्ट्रॉन हट रहा है, विड्रॉ हो रहा है, कहां से विड्रॉ हो रहा है बच्चों, देखिए एंटी बॉन्डिंग है, बिल्कुल एंटी बॉन्डिंग है, तो एंटी बॉन्डिंग है तो आप ये बताइए मुझे कि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, यानी थ्री से ज्यादा होना चाहिए। लेट चेक, चेक करते हैं, चलिए हाफ ऑफ यहां पर से एक इलेक्ट्रॉन हटा दें तभी तो सीओ पॉजिटिव का आएगा, उस टाइम ही सीओ पॉजिटिव हो जाएगा, सीओ पॉजिटिव के लिए हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितने जाएंगे, एक दो तीन, तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग की है, माइनस वन टू थ्री, तीन इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं, हाफ ऑफ ये हो जाएगा सेवन, है ना, तो ये बच्चों 3.5 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका 100% आपका सीओ पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर उसका इंक्रीज करा 3.5 के। लेकिन बच्चों आपको एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पर इस सारी कंक्लूजन के बाद, अगर बाई चांस एग्जाम में आ गया कि सीओ पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3.5, 3, बिटवीन 3 एंड 3.5 या 4, ऐसे करके चार ऑप्शन आ गया आपके, ठीक है, तो आंसर इसमें 3.5 नहीं होगा बच्चों, इसमें आंसर होगा आपका 3 to 3.5 के बीच में होता है। अब इसका रीजन क्या होता है वो देखते हैं बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे। एक्चुअली जो ये आपका बच्चों ऑर्बिटल आपको यहाँ पर दिख रहा है सिग्मा पाई स्टार 2s का एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में बहुत लंबा चौड़ा नहीं बता रहा हूँ बच्चों, बस ये क्वेश्चन अगर आएगा तो इस तरीके से आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उस टाइम क्या होता है कि बच्चों इसका जो एंटी बॉन्डिंग होता है बच्चों, ये जो है स्लाइड स्लाइट एंटी बॉन्डिंग होता है, पूरा 100% एंटी बॉन्डिंग नहीं होता है, इसका मतलब 100% इसका जो बॉन्डर आएगा वो भी 3.5 नहीं आने वाला है, थोड़ा सा कम आएगा उससे कहीं ना कहीं, इसलिए ध्यान देना। अगर उसने पूछ लिया कि सीओ पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड अगर पॉजिटिव में है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों, बिटवीन 3 to 3.5। आपको ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं बना रहा हूं, बस आपको इतना याद रखना है कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा दैट विल बिटवीन 2 3 to 3.5। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए इसे एक और क्वेश्चन मैं बना देता हूं आपके लिए यहाँ पे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आ सकते हैं, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन देते हैं वो लोग, ठीक है, इसलिए इसे डरना नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है बच्चों, ठीक है। चलिए एक और केस बताते हैं बच्चों, होमो एंड ल्यूमो, अब ये क्या है, कभी कभी वो पूछ देते हैं, बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड है या उसका पॉजिटिव है, कोई भी हो, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो उसमें 1 पॉजिटिव हो 2 पॉजिटिव हो तो आप बता सकते हैं, देखो कैसे, उसमें होमो कौन है, होमो कौन है और ल्यूमो कौन है, ये भी आ सकता है बच्चों, होमो और ल्यूमो क्या है उसमें, अब ये होमो और ल्यूमो है क्या पहले वो समझते हैं। होमो मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी एक ऐसा ऑर्बिटल
अगर हम सीओ की बात करें तो यहां पर ही आ जाएगा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। सीओ की बात कर रहे हैं, होमो का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं और सबसे हाई एनर्जी के होते हैं, यानी सबसे फाइनल वो ऑर्बिटल जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसको होमो बोलते हैं। देखिए बच्चों यहां से हम गए ये कम एनर्जी का, ज्यादा 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 ज्यादा, यहां पर देखिए इसके बाद इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये क्या है, ऑक्यूपाइड है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ऑक्यूपाइड हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जहां सबसे ज्यादा एनर्जी के क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, या जहां फाइनली आपका इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हो उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो आपका होमो कहलाता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, एच ओ एम ओ, ये है आपका होमो। तो इसका होमो क्या है बच्चों, इसका होमो है सिग्मा स्टार 2s, इसका क्या है होमो। और ल्यूमो मतलब होता है बच्चों लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए बच्चों अनऑक्यूपाइड ये सब ऑक्यूपाइड है जहां इलेक्ट्रॉन है, लोवेस्ट तो ये है बच्चों, ये है ना, ये आपका क्या हो जाएगा पाई पी एक्स इक्वल टू पाई पी वाई, ये स्टार है बच्चों, ये भी एंटी बॉन्डिंग है तो पाई टू पी आप बोल सकते हैं, टू पाई स्टार पी एक्स, ये पी एक्स होता है, ये पी वाई होता है बच्चों, है ना, जहां दो होते हैं, और ये पी जेड होता है जो अकेले होता है, ठीक है। तो यहां पर ल्यूमो कौन है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, ये वाला यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पी जेड नहीं होगा बल्कि ये दो होंगे, कौन कौन से, टू पाई स्टार पी एक्स इक्वल टू टू पाई स्टार पी वाई, ओके, दैट विल बी द लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन सीओ, ओके। तो आपको देखो बच्चों होमो ल्यूमो का कॉन्सेप्ट, कोई आपको नई चीज सीखने की कभी जरूरत नहीं है, बस आप ऐसा देख लेना जहां पर भी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम आप फॉर्म करेंगे वहां पर जहां पर भी आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा होगा जिस ऑर्बिटल में, दैट ऑर्बिटल विल नोन एज होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जहां उसके जस्ट ऊपर वाला, उसके जस्ट ऊपर वाला आपका क्या कहलाता है बच्चों, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो बच्चों ये तो आपका एक ट्रिक के थ्रू मैंने आपको बता दिया है, आपको ज्यादा मेहनत भी इसमें नहीं करनी पड़ेगी, और इससे रिलेटेड आपके सारे आप एनर्जी देख लेना यहाँ पे, ठीक है, ये सारे की एनर्जी आप देख सकते हैं कहाँ पे मैंने कैसे लिखा हुआ है, एनर्जी लेवल आप देख लेना, ठीक है। तो बच्चों आपके सारे क्वेश्चन कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए तो ये तो था बच्चों एमओटी डायग्राम फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। एक सिनर्जिक बॉन्ड आता है बच्चों यहाँ पर, सिनर्जिक इफेक्ट आता है, थोड़ा सा मैं वो आपको डिस्कस कर देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत ही ये कोई मेटल है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और मेटल के पास खाली ऑर्बिटल भी होते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ सकता है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड से, वो भी क्लियर कर दे, यहाँ पर लोन पेयर यहाँ पर कार्बन के पास भी होते हैं बच्चों, लोन पेयर आपके ऑक्सीजन के पास भी होते हैं, आपने जो डायग्राम बनाया है वहां पर आप देख लेना कि कार्बन का ऑर्बिटल ऊपर है और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल थोड़ा सा नीचे है और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, ठीक है। इन दो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है बच्चों वो कार्बन से मैच करती है, किससे मैच करती है, कार्बन से मैच करती है, इसलिए हमेशा ध्यान देना बच्चों कार्बन का जो ये लोन पेयर है यही डोनेट करता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर उसका इससे मैच करती है तो ये तो बहुत नीचे हो गया है ना, तो सबसे ऊपर देखो बच्चों जो भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो होमो के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान देना हमेशा आपको जब भी बॉन्डिंग वगैरह होती है हमेशा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है ना। तो ये कार्बन के इक्वल है तो यहाँ इसलिए ध्यान देना कि जब भी आपका लोन पेयर देने की बात आए, कभी भी कोई भी आपका कंडीशन हो, आपका केवल और केवल कार्बन के लोन पेयर ही जाते हैं ऑक्सीजन के, कभी नहीं जाते हैं, वो न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं, अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियस, उनको नहीं जा पाते हैं, इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है इसलिए यही अटैक करते हैं, तो ये भी याद रखना, ये और एक क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों होता क्या है, होता क्या है, देखिए यहां पर आपका ये होता है लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ये तो मेटल है ही है, तो यहां पर जो अनऑक्यूपाइड मेटल के अनऑक्यूपाइड डी ऑर्बिटल, बेसिकली डी ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, sp भी हो सकता है लेकिन डी ज्यादा होते हैं, तो वहां ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या बना देगा, एक बॉन्ड बना देगा बच्चों, और ये ऐसे करके बनेगा अपना, कोई बात नहीं, डेटी बॉन्ड बना देता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, पहली बात ये कैसा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड,
देखो बच्चों ये वाले इलेक्ट्रॉन कौन से थे, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन थे। किसके थे बच्चों, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन थे, और वो डोनेट कर रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं, तो बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों बताइए मुझे। अभी बताया था मैंने आपको, जब भी आपका क्या होता है एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों, इंक्रीज। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, यानी ये बॉन्ड कहीं ना कहीं क्या बनेगा बच्चों, दिस बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्ग। ये आपका कैसा बॉन्ड बन जाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को आप, मतलब अगर ये एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, आपको मालूम है ये जा रहे हैं, तो ये जो सीओ की स्ट्रेंथ होती है बच्चों, ये इंक्रीज करती है, इंक्रीज करेगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी का मतलब होगा बॉन्ड लेंथ जो है क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज। हर एक चीज आपको मालूम है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर रही है बच्चों, और बॉन्ड लेंथ आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, नजदीक आएंगी वो, ठीक है, तो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया इतना। लेकिन बच्चों यहाँ पर सिनर्जिक इफेक्ट लगता है, इसके लोन पेयर भी होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहाँ का जो पाई है, पाई ऑर्बिटल है, उसके एम्प्टी ऑर्बिटल जो ल्यूमो वाला था, याद करो ल्यूमो एम्प्टी था ना बच्चों, उसकी एनर्जी और इसके लोन पेयर की एनर्जी लगभग बराबर होती है, तो यहाँ आपको भी डोनेट कर देता है। जैसे ही डोनेट करेगा तो अब ये क्या बना लेगा बच्चों, ऐसे करके जो है सी ट्रिपल बॉन्ड वो ऐसे बना देगा, है ना, ये आपका अब प्योर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, कम हो जाएगा ये, क्योंकि अब इसमें कहाँ आ रहे हैं, ल्यूमो में, आपके LUMO, ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका इसके ल्यूमो जो फ्री थे उसमें इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देता है, यानी एंटी बॉन्डिंग है। ल्यूमो कैसा है बच्चों, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं ना बच्चों, और एंटी बॉन्डिंग में जब भी इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं तो बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। बॉन्ड ऑर्डर यानी कम से कम दो होने की कोशिश करेगा, यानी कम होने की कोशिश करेगा, और बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि एटम दूर दूर चले जाएंगे, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान देना, बॉन्ड ऑर्डर अगर डिक्रीज हुआ, यानी जैसे बॉन्ड ऑर्डर पहले तीन था अब दो रह गया, है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज, लेकिन बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका गिब है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इसको इलेक्ट्रॉन टेक, ये इससे इलेक्ट्रॉन वापस ले रहा है, तो दिस बॉन्ड जहां पर देता भी है और इलेक्ट्रॉन लेता भी है बच्चों, दिस बॉन्ड इज नोन एज सिनर्जिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से बच्चों मेटल कार्बोनाइल कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं। ये मेटल है, ये कार्बोनाइल यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनाइल बोलते हैं, तो मेटल कार्बोनाइल और स्ट्रॉन्ग ये आपके क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। क्यों बच्चों, ड्यू टू दिस सिनर्जिक इफेक्ट है, पहले इलेक्ट्रॉन देता है इसका कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, तो ये पहले तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, फिर ये कौन सा बॉन्ड बना लेगा, दूसरा बॉन्ड हमेशा क्या होता है बच्चों, पाई बॉन्ड होता है, आप सबको मालूम है, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैप कर रहे होंगे वो ऐसे करके, ठीक है, ये और ये ऐसे करके साइड, पहले तो ऐसे करके कंप्लीट ओवरलैपिंग हो रही होगी, सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा, बाद में आपका पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो रही होगी, ठीक है ना बच्चों, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। ये कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है ले भी रहा है, तो सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन देना भी और इलेक्ट्रॉन लेना भी। चलो बच्चों, ये तो आपका केस था कार्बन मोनोऑक्साइड का, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन, एक भी बने दो भी बने, लेकिन तरीके उसके अलग अलग हो सकते हैं बच्चों, इसलिए इस टाइप के आप अगर कॉन्सेप्ट चाहते हैं जो आपके नीट के लिए या जेईई के लिए या फिर कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो आपको सब्सक्राइब करना होगा योग रसायन चैनल, ठीक है, जिसमें आपको टाइम टाइम पे ऐसे ट्रिक मिलते रहेंगे। चलिए बच्चों आज इतना ही करते हैं।